18वीं लोकसभा सत्र का आगाज हो चुका है जो अगले महीने की 3 तारीख तक चलने वाला है। पीएम मोदी से लेकर नए एमपी ने सांसद पद की शपथ ले ली है। इस बार 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला युवा सांसद से लेकर तमाम सियासी परिवार की बहुओं ने एंट्री मारी है। सत्ता दल और विपक्षी खेमे में मिलाकर 74 महिलाएं लोकसभा पहुंच चुकी हैं, जो पिछली बार की संख्या से 4 कम है। यहां सवाल उठता है कि जो महिला सांसद पहुंची हैं उनका नाता किस परिवारों से रहा है, कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने खुद के दम पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और सियासत में एंट्री ली, इस रिपोर्ट में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले किस पार्टी से कितनी महिलाएं चुनी गई इसे जान लेते हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की 31, कांग्रेस की 13, टीएमसी की 11, सपा की 5 और डीएमके की 3, लोजपा रामविलास की 2, जेडीयू 2 और अन्य की 7 महिलाएं। बता दें अन्य पार्टियों में एनसीपी, टीडीपी, आरएलडी, जेएमएम, एसएडी, वाईएसआरसीपी, अपना दल की सीटें हैं जिनकी महिला सांसदों ने जीत हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 74 महिला सांसदों की पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा 41 सांसदों का राजनीतिक परिवारों से संबंध है, जबकि 29 महिला सांसद ऐसी हैं जिनकी पहचान गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली है। इसमें डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टर से लेकर दूसरे प्रोफेशंस भी शामिल हैं। वहीं राज परिवार से आने वाली 4 महिला सांसद बनी है। ये चारों बीजेपी की टिकट पर लोकसभा पहुंची है। सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट दिए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2009 में बीजेपी ने 45, साल 2014 में 38, जबकि 2019 में 55 और इस बार 69 टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए, जिसमें बीजेपी की 31 सीटों पर जीत दर्ज हुई। बीजेपी की आधी महिला सांसद राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। दरअसल 15 सांसदों का संबंध राजनीतिक परिवारों से है। 7 सांसदों के पति, 3 के पिता और 5 महिला सांसदों की माँ, भाई और ससुर राजनीति के जाने माने चेहरे बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम नई दिल्ली की सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंचने वाली बासरी स्वराज का है, जो दिवंगत राजनेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री सीट से चुनाव जीत हासिल करने वाली डी पुरेंदेश्वरी दिवंगत अभिनेता और राजनेता एनटी रामाराव की बेटी है। इसी तरह महाराष्ट्र के रावेर सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाली रक्षा खडसे, जो अब केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। बता दें रक्षा महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता एकनाथ खडसे की बहू है। इसी तरह महाराष्ट्र के जलगांव से चुनाव जीतने वाली स्मिता बाग के पति उदय बाग बीजेपी में जिला अध्यक्ष है। झारखंड की कोडरमा सीट से सांसद अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है, वो आरएलडी नेता और पूर्व मंत्री रमेश यादव की पत्नी है। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन 6 महिलाओं को टिकट दिया था सभी ने जीत दर्ज की। इनमें सावित्री ठाकुर धार से, संध्या राव भिंड से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, लता वानखेड़े सागर सीट से, अनीता चौहान रतलाम और भारती पार्टी ने बालाघाट सीट से जीत दर्ज की। अनीता के पति नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री है और 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसी तरह लता वानखेड़े के पति नंद किशोर उर्फ गुट्टू वानखेड़े भी राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली 12 महिलाएं बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गई हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन में कुछ अलग करके अपना नाम बनाया और फिर राजनीति में अपना दाव आजमाया। मिसाल के तौर पर एमपी की धार सीट से सांसद चुनी गई सावित्री ठाकुर, जो केंद्र में मंत्री भी बन गई हैं। उनके पति एक साधारण किसान हैं। इसी तरह एमपी की भिंड सीट से संध्या राय ने अपना राजनीतिक सफर बीजेपी में एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया था। उनके पति भी किसान हैं। इस तरह सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता से सांसद तक का सफर तय करने वाली सांसदों की संख्या 8 है। इन 8 के अलावा बीजेपी से चुनी गई 2 महिलाओं का खुद का बिजनेस है। इनमें से एक तो असम की गुवाहाटी से चुनाव जीतने वाली बिजली कलिता मेदी हैं, तो दूसरा गुजरात से सांसद चुनी गई नीमूबेन जयंतीबाई पंभानिया है। वहीं सिनेमा जगत की 2 हस्ती इस चुनाव के जरिए सदन पहुंची है। इनमें एक मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और दूसरी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली कंगना रनौत है। हालांकि 31 में 4 महिला सांसद ऐसे भी हैं जिनका नाता राजशाही परिवारों से है। महिमा विश्वनाथ सिंह का संबंध मेवाड़ के पूर्व राजघराने से है। उड़ीसा के बोलांगीर के सांसद संगीता कुमार सिंह देव पूर्ववर्ती पटनागढ़ शाही परिवार से हैं। मालविका खेसारी देव कालाहंडी शाही परिवार की वंशज हैं। इनके पति अर्का खेसारी देव सांसद रह चुके हैं। इनके अलावा उत्तराखंड की माला राज्य लक्ष्मी, जिन्हें टिहरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी एक राजशाही विरासत समेटे हुए हैं।
ये तो हो गई सत्ताधारी दल की बात, अब विपक्षी खेमे की बात करते हैं। कांग्रेस ने इस बार 41 महिलाओं को टिकट दिया था, इनमें 13 को जीत हासिल हुई। राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं पर दाब लगाने में कांग्रेस का भी हाल बीजेपी की तरह ही है। कांग्रेस से सांसद चुनी गई 13 महिलाओं में से 8 का संबंध राजनीतिक परिवारों से है। 4 के पति जबकि 4 के पिता राजनीति के जाने माने नाम है, चाहे वो वर्षा गायकवाड़ हूँ, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हैं, या फिर तेलंगाना के वारंगल लोकसभा सीट से जीतने वाली कादियाराम काव्या, जो भारत राष्ट्र समिति के पूर्व नेता श्रीहरि की बेटी है। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से जीतने वाली ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की पत्नी है। चरणदास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह से कर्नाटक के देवनगरी से सांसद चुनी गई प्रभा मल्लिकार्जुन के पति कर्नाटक सरकार में माइंस और जियोलॉजी मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस की 5 महिला सांसद गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। इनमें एक डॉक्टर, एक वकील, एक सोशल वर्कर तो 2 ने अपने बलबूते पर राजनीति में अपना नाम बनाया है। सुधा आर पेशे से वकील है, बच्छाव शोभा दिनेश पेशे से डॉक्टर है, ज्योति मणि सिन्नी मलाई एक सोशल वर्कर है। इन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस और तमिलनाडु युवा कांग्रेस के महासचिव और उपाध्यक्ष के रास्ते संसद तक का सफर तय किया है। जबकि संजना जाटव कांग्रेस की सबसे कम उम्र की सांसद है, जिनके पति पुलिस कांस्टेबल हैं। संजना जाटव ने महज 26 साल की उम्र में राजस्थान की भरतपुर सीट पर चुनाव जीता है। गुजरात की गेरीबेन ठाकुर, जिन्होंने बनासकांठा से चुनाव जीता है, वो भी अपने बलबूते यहां तक पहुंची है। ठाकुर ने दशकों बाद गुजरात में कांग्रेस का खाता खोला है। वहीं तीसरी नंबर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 12 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें 11 की जीत हुई, जिनमें से 4 सांसद सयानी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बैनर्जी और जून मालिया की मुख्य पहचान एक्ट्रेस के तौर पर है। वहीं शर्मिला सरकार और ककोली घोष दस्तीदार डॉक्टर है। महुआ मोइत्रा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं। इनके अलावा माला रॉय, मिताली बैग, प्रतिमा मोंडेल और सजिता अहमद का अपना राजनीतिक करियर रहा है। टीएमसी के बाद सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को 10 टिकट दिए। रोचक बात ये रही कि सभी 5 महिला सांसद एक मजबूत और संपन्न राजनीतिक परिवार से आती हैं, चाहे वो डिंपल यादव हो, कृष्णा देवी पटेल, प्रिया सरोज, इकरा चौधरी या फिर रुचि वीरा। हालांकि इस बार सपा से प्रिया सरोज सबसे कम उम्र की सांसद बनी। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके की टिकट पर 3 महिलाएं लोकसभा पहुंची हैं। इनमें से 1 पेशे से डॉक्टर हैं, जबकि 2 राजनीतिक परिवार से आती हैं। एक तो करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी है, तो दूसरी डीएमके नेता वी थंगा पंजीयन की बेटी सुमाती है, जिनकी एक और पहचान पटकथा लेखक के तौर पर भी है। बाकी बची 11 महिलाएं जो इस आम चुनाव के जरिए लोकसभा पहुंची हैं। इनमें जेडीयू और लोजपा रामविलास से 2-2, शरद पवार की एनसीपी, अपना दल सोनेलाल, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, वाईएसआरसीपी, शिरोमणि अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरएलडी से 1-1 है। इन 11 में से 8 महिलाओं का संबंध सीधे तौर पर राजनीतिक परिवारों से है, जबकि 1 की पहचान बाहुबली नेता की पत्नी के नाते है तो 2 डॉक्टर है। बता दें जेडीयू की लवली आनंद चर्चित आईएएस हत्याकांड में आरोपी रहे आनंद मोहन की पत्नी है। राजनीतिक रसूख वाली नेताओं में अगर प्रमुख नामों पर गौर करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीतने वाली वीणा देवी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर है, जिन्होंने भटिंडा की सीट से जीत दर्ज की। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती है, जो पाटलिपुत्र से चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है, जो बारामती से चुनाव जीतकर संसद पहुंची है, जिनकी आवाज इस बार 18वीं लोकसभा संसद में सुनाई देगी। अब ये सभी महिला सांसद आमजन की आवाज को किस तरह से बुलंद करेंगी और महिलाओं के मुद्दों को कितनी बेबाकी से उठाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।